हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटी छोले की चाट, जो हम बाहर खाते हैं मार्केट में जब भी जाते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ घर पर, तो देख लेते हैं उसके लिए क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये मैंने छोले ले लिए हैं। छोले को मैंने बॉयल कर लिया, यानी ये ब्लैक वाले जो काले वाले छोले आते हैं, चने जिसे हम बोलते हैं, उनको मैंने बॉयल कर लिया है। ये मैंने एक कटोरी लिए हैं। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, एक मीडियम साइज की छोटी। तो ये मैंने प्याज डाल दी है इसके अंदर। अब मीडियम साइज का एक टमाटर बारीक कटा हुआ, और बारीक कटा हुआ ये खीरा। अगर आपको खीरा पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये हरी मिर्ची डालेंगे हम बारीक कटी हुई। ये मैंने दो हरी मिर्ची ली हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो पहले आप इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब डाल रही हूँ मैं आधा छोटी चम्मच नमक और आधा ही छोटी चम्मच यानी लाल मिर्ची पाउडर। ये चटपटी ही अच्छी लगती है। और एक चम्मच डाल रही हूँ मैं इसके अंदर चाट मसाला। अब इन सबको भी मिक्स करना है हमें अच्छे से। तो ये सारी चीज़ मिक्स हो गई है। अब डालेंगे नींबू। तो नींबू मैंने आधा लिया है, और इसके अंदर इस तरीके से निचोड़ देंगे, यानी जितना आपको खट्टा पसंद है आप उस हिसाब से नींबू इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और जितना चटपटा पसंद है तो आप उस हिसाब से इसके अंदर मिर्ची ऐड कर सकते हैं। तो हमारी ये छोला चाट बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं करती हूँ इसको सर्व। तो मैंने इसको सर्व कर दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऐसे धनिया पत्ती रख देंगे कि ये देखने में खूबसूरत लगे, और ये साइड में इस तरीके से नींबू रख देंगे। तो हमारी 5 मिनट में बिल्कुल झटपट यानी और चटपटी छोला चाट बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरे छोले के चाट की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कैसी लगी। और प्लीज़ घर में रहें, सुरक्षित रहें।